जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024-25। जी हाँ, थर्ड ग्रेड की भर्ती का आगाज हो चुका है। संस्कृत विभाग में भी थर्ड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है और सामान्य जो शिक्षक भर्ती होती है अपनी, उनके लिए भी यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। दोनों भर्तियां इसमें शामिल हो चुकी है। इस भर्ती की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। 2600 पदों पर इस भर्ती का आगाज हो चुका है। साथियों, जो भी साथी BSTC और BED कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती तो आ चुकी है, आप सभी को पता है। 2200 पदों पर फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन भी शुरू होने वाले हैं 5 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के। इसी प्रकार से थर्ड ग्रेड की भर्ती का भी अधिसूचना का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी की पूरी जानकारी को देखेंगे। अभी तो भाई रीट पात्रता भी नहीं हुई है, रीट पात्रता भी जनवरी में होने वाली है। उससे पहले तो अधिसूचना जारी कर दी गई है थर्ड ग्रेड की, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट BSTC वालों के लिए और लेवल सेकंड BED वालों के लिए है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से, क्या क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, सारी की सारी जानकारी अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से। और PTI की भी भर्ती है, बिल्कुल थर्ड ग्रेड तो है ही है, PTI के भी भर्ती के पद हैं इसमें साथियों। PTI की भी भर्ती आ चुकी है। जो भी भाई बहन PTI की तैयारी कर रहे हैं वो कड़ा जूड़ होकर के लग जाओ भाई, आपकी भी भर्ती आ चुकी है। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी को। राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग दोनों ही विभागों में भर्ती है भाई। कोई ये सोचे कि साहब हम संस्कृत विभाग में नहीं देख सकते हैं, हम तो थोड़ा सामान्य विभाग की बताओ, तो सामान्य विभाग वाले भी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी। थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट जो BSTC वालों की, लेवल टू जो BED वालों की, और PTI की भर्ती भी है इसमें। भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 2600 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। सिलेबस भी इसका जारी कर दिया गया है और इसके आवेदन भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ठीक है साहब, अब मैं आपको थोड़ी सी योग्यता वगैरह के बारे में भी बता दूं, ताकि थाने थोड़ा सा और भी सरल काम हो जाए कि भाई कौन-कौन भर पाऊंगा, कौन-कौन भर पाऊंगी, बाद में थाने थोड़ा सा बता दूं। राजस्थान थर्ड ग्रेड भर्ती 2025, इसमें संस्कृत विभाग से भरोगे तो ये योग्यता है, सामान्य विभाग से भरोगे तो ये योग्यता है। मैं आपको समझा देता हूं, एक बार ढंग से सुनो भाई। लेवल फर्स्ट में क्या होता है, योग्यता पहली से पांचवी तक के आप टीचर बनते हो तो लेवल फर्स्ट की जो योग्यता है साथियों 12वीं पास होना चाहिए। इसमें संस्कृत विभाग की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले संस्कृत विभाग वालों को मैं एक बार समझा देता हूं, 12वीं में संस्कृत होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 12वीं में क्या थी, हिंदी साहित्य थी, तो इसी प्रकार से जिसके पास 12वीं में संस्कृत साहित्य थी वही इसमें फॉर्म भर पाएगा। 12वीं में संस्कृत हो, BSTC भी संस्कृत से की हो और रीट की पात्रता परीक्षा पास हो तो वो इसके लिए फॉर्म भर पाएगा संस्कृत विभाग में लेवल फर्स्ट में, ठीक है, थर्ड ग्रेड में। अब साहब बोलोगे कि रीट तो अभी हुई नहीं है। हाँ तो हो जाने दो ना, तब तक तो इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है ना, रीट हो जाने दो। जिसने रीट पास कर रखी है पात्रता परीक्षा, रीट पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसने पास कर रखी है वो इसमें भर पाएगा। और 12वीं में संस्कृत थी उसके पास और BSTC संस्कृत से की, वो इसमें फॉर्म भर पाएगा। और जिसके पास रीट पात्रता नहीं है तो तैयारी करो, जनवरी में आ गई, रीट पात्रता भी दे लो, तब तक तो या फार्म शुरू भी कौन हुई, अब इतना तो कर लेगा, ठीक है जी। और लेवल टू के लिए क्या होता है, छठी से आठवीं के लिए संस्कृत विभाग में स्नातक शास्त्री से की हो, जिसने संस्कृत विभाग में अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो स्नातक आपने शास्त्री से की हो तो फॉर्म भर सकते हो। प्लस में BED होनी चाहिए और रीट की पात्रता पास होनी चाहिए साहब, तब जाकर के आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। ये तो है संस्कृत विभाग की, ठीक है साहब। लेवल टू में स्नातक शास्त्री से BED भी हो और रीट पात्रता परीक्षा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो छठी से आठवीं लेवल टू में थर्ड ग्रेड में, ठीक है साहब। अब आ जाओ सामान्य में। सामान्य शिक्षक
में देखो अपने वो ही है, सबको पता है भाई L1 के लिए अगर फॉर्म भरांगा पहली से पांचवी के लिए तो 12वीं पास होना चाहिए, BSTC होनी चाहिए, रीट की पात्रता होनी चाहिए, तो आप आराम से इसमें L1 में फॉर्म भर सकते हो। अब BSTC तो सामान्य BSTC होनी चाहिए, 12वीं में चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं पास होना चाहिए, BSTC होनी चाहिए, रीट की पात्रता होनी चाहिए। रीट की पात्रता तो कोनी साहब, कोनी तो अब 2025 जनवरी में आवेगी, दो फिर पात्रता करो पास और फिर भरो फार्म, ठीक है साहब। और L2 के लिए भरना है तो L2 के लिए स्नातक होना चाहिए, प्लस में BEd होनी चाहिए, रीट की पात्रता होनी चाहिए, ये भी 6ठी से 8वीं के लिए है। तो साहब स्नातक कौन सा सब्जेक्ट कोई भी हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, BSc BSc BA BCom सारे चलेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार भरते हैं सब, ठीक है। मैथ वाला है तो मैथ के लिए भरेगा, साइंस वाले साइंस के लिए भरेंगे, इंग्लिश हिंदी वाले इंग्लिश हिंदी के लिए, SST वाले SS के लिए, ये चीजें होती है स्नातक में। जो सब्जेक्ट आपके पास है उसी सब्जेक्ट को, 12वीं में भी वही सब्जेक्ट रहा हो, स्नातक में तीनों साल आपके पास वो सब्जेक्ट रहा हो और फिर आपने BEd कर ली हो, तो आप उसके लिए आवेदन कर पाओगे जिस सब्जेक्ट के आप हो। जैसे मैं 12वीं में, मेरे पास भूगोल रहा था, हिंदी साहित्य थी, पॉलिटिकल थी, फिर मैंने BA किया, तो BA तीनों साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BA फाइनल भूगोल थी मेरे पास, भूगोल सब्जेक्ट रहा था मेरे पास, फिर मैंने MA कर लिया, भूगोल से ही कर लिया MA, फिर मैं BEd कर चुका हूँ, तो BEd में मेरे SST से की है, सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो स्नातक में जो सब्जेक्ट रहा है उसी सब्जेक्ट के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं मैथ के लिए थोड़ी भरूंगा फॉर्म L2 में, मैं SST के लिए ही भरूंगा भाई L2 में, 6ठी से 8वीं तक मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, सबको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको 6ठी से 8वीं तक। तो कोई इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश से भरेगा, उसकी BA में इंग्लिश थी, कोई हिंदी से है तो उसके BA में हिंदी साहित्य थी, तब जाके वो हिंदी से फॉर्म भरेगा। इसी प्रकार से समझ गए, रीट पात्रता भी होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है PTI के लिए, तो PTI के लिए भाई फिजिकल एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा कोई भी हो तो आप इसमें भर सकते हो, शारीरिक फिजिकल एजुकेशन से संबंधित डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, क्रीड़ा प्रमाण पत्र, टूर्नामेंटों में आपने भाग लिया है, अच्छे खासे मेडल जीते हैं, प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको 40 नंबर तक आपको बोनस मिलेगा, 40 नंबर तक मिल जाएंगे आपको अगर आपने टूर्नामेंटों में कहीं भाग लिया है तो। अगर टूर्नामेंटों में भाग नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास PTI का प्रमाण पत्र है, फिजिकल एजुकेशन से कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है तो भर सकते हो। ये वही कंडीशन है, अगर किसी के पास NCC है तो सीधा 10 नंबर 5 नंबर 8 नंबर मिल जाते हैं, अगर NCC नहीं होती है तो भी लोग तो नौकरी लगते हैं, वो अपनी दम पे लगते हैं भाई, परीक्षा में ज्यादा नंबर खींचते हैं। तो इसी प्रकार से अगर टूर्नामेंट अगर आपने कहीं खेला है, जीता है कुछ प्रमाण पत्र मेडल वगैरह, तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, सहारा मिल जाएगा आपको कुछ नंबरों का। अगर नहीं है तो भी फॉर्म तो भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने PTI के लिए ही तो डिग्री डिप्लोमा किया है, तो आप ज्यादा नंबर खींचोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अब मैं दिखा दूं थाने एक बार नोटिफिकेशन, लो साहब नोटिफिकेशन आपका ये है, अधिसूचना जारी हो चुकी है भर्ती की, ठीक है जी। कोई भी भाई बहन कंफ्यूज ना होवे कि साहब ये कब की है, भाई ताजा है, 25 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना जारी हो चुकी है साथियों। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूं अधिसूचना में क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं हैं। तो देखो भाई एक बार अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, इसमें सारी चीजें हैं, सामान्य विभाग की भी भर्ती है और तुम्हारी संस्कृत विभाग की भी। ये देखो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा ये परीक्षा भाई। अब सबसे पहले जो है संस्कृत विभाग में जो भर्ती निकलती है साथियों, संस्कृत थर्ड ग्रेड की मान लो तुम संस्कृत विभाग में, तो इसको पहले कौन करवाता था, पहले खुद ही संस्कृत विभाग करवाता था साथियों। कौन करवाता था साहब, संस्कृत विभाग करवाता था। फिर संस्कृत विभाग ने किसको दे दी जिम्मेदारी, RPSC को दे दी। RPSC ने क्या बोला कि हम 4800 ग्रेड पे से नीचे की भर्ती नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारी माटी पिटती है, वेरी छोटी थोड़ी करवाएंगे हम, ठीक है साहब। अब इसको फिर किसको दे दिया, अब साहब इसको RSSB बोर्ड, यानी कि अपना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो करवाएगा इस भर्ती को। और वो जब इस भर्ती को करवाएगा साथियों तो वो रीट पात्रता मांगेगा, रीट पात्रता किसके पास है वो इस टीचर की भर्ती में फॉर्म भर पाएगा। अगर रीट पात्रता नहीं है तो डोलो भाई, फिर रीट पात्रता लाओ फिर ही फॉर्म भर पाओगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। जो संस्कृत विभाग से भरेंगे उनके लिए संस्कृत से सिस्टम है, थोड़ा बहुत वो पढ़ना पड़ेगा, बाकी GK उनको भी सामान्य वालों की पढ़नी पड़ेगी। और सामान्य विभाग से जो फॉर्म
फॉर्म भरेंगे वो तो तुम्हारी खुद की जो जीके है, तुम्हारा खुद का जो सिलेबस है वो ही तैयार रखो, उसी से नौकरी लग जाओगे, अलग से कोई सिलेबस की घबराहट नहीं होनी चाहिए तुम्हारे दिल में। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो जो बातें हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है साहब, ये अधिसूचना भी आपको मिल जाएगी भाई, कहां पर मिलेगी साहब, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें सभी साथी, वहीं पर मिल जाएगी। अब ये देखो इसमें साथियों, अध्यापक संस्कृत विभाग लेवल फर्स्ट पहली से पांचवी तक 100% सीधी भर्ती होगी, इसमें भी वही संस्कृत माध्यम से 12वीं पास, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा भी होनी चाहिए और संस्कृत से 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है साहब, ये चीजें आ गई, सीधी भर्ती अध्यापक संस्कृत विभाग से लेवल 2 6 से 8 तक, इसमें भी 100% सीधी भर्ती होगी। संस्कृत माध्यम से शास्त्री होना चाहिए स्नातक, ठीक है, स्नातक संस्कृत माध्यम से शास्त्री से स्नातक होना चाहिए, और साथियों अध्यापक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि रीट भी आपको जो पात्रता परीक्षा होगी रीट वो भी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। और इसमें साथियों बीएड होती है, ठीक है, लेवल 2 के लिए जब बीएड होती है, ठीक है, लेवल फर्स्ट के लिए बीएसटीसी होती है, सबको पता है। अब आ जाओ सब सामान्य के लिए, तो ये देखो अपनी सामान्य आ गई भाई, जो संस्कृत से नहीं है उनके लिए है अब सामान्य विभाग में लेवल फर्स्ट की कक्षा 1 से 5 तक 100% सीधी भर्ती होगी। इसमें साथियों केवल 12वीं पास प्लस में अपनी बीएसटीसी और साथियों रीट पात्रता परीक्षा, ये देख लो ना आराम से, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, वो इसमें फॉर्म भर पाएगा, बीएसटीसी वाले भरेंगे भाई इसमें। ठीक है, और जो अब कर रहे हैं जो अंतिम वर्ष में है यानी कि जो फाइनल में है वो भी फॉर्म भर पाएंगे साथियों, फाइनल ईयर्स वाले भी फॉर्म भर देंगे, लेकिन अभी तो इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इस भर्ती की अधिसूचना जारी हुई है साथियों, इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, तो जो फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म भर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है साहब। ठीक है जी, कोई कहेगा साहब मेरी बीएड फाइनल चल रही है, कोई कहेगा साहब मेरी तो बीएसटीसी फाइनल चल रही है, कोई समस्या नहीं है भाई, लेवल 2 6ठी से 8वीं के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें लेवल 2 में साथियों सबको पता है स्नातक होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसमें साथियों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है जी, ये ही अपना सादा सा काम है भाई। ठीक है जी, अच्छा आप देखो इसमें, देखो साहब अपने अपने सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं, आराम से मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसमें सभी सब्जेक्ट वाले शामिल हैं लेवल 2 में। लेवल 2 क्या होती है साथियों, लेवल 2 बीएड से होती है भाई, और बीएड वाले ही फॉर्म भरते हैं लेवल 2 में, जो कि 6ठी से लेके 8वीं तक के मास्टर मैडम बनते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, पहली से पांचवीं तक तो सारा सब्जेक्ट आगा, सारा ही पढ़ाऊंगा, जोड़ बाकी भी सिखाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, निबंध भी लिखाऊंगा, इंग्लिश का मीनिंग भी याद करवाऊंगा, पाड़ा गिनती भी याद करवाऊंगा, लेकिन 6ठी से 8वीं तो सब्जेक्ट चलते हैं, समझ रहे हो, हिंदी की किताब अलग, अंग्रेजी की अलग, पर्यावरण की अलग, सामाजिक की अलग, सबकी अलग। ठीक है जी, तो इसमें देखो इसमें सारे सब्जेक्ट वाले भर पाएंगे लेवल 2 में, अपना अपना सब्जेक्ट है जो भी है, इतिहास है, भूगोल है, जैसे मेरे पास भूगोल था स्नातक में तो मैं लेवल 2 में भरूंगा, अर्थशास्त्र वाले भी भरेंगे, राजनीति विज्ञान वाले भी भरेंगे, पॉलिटिकल है ये भी मेरे पास थी, समाज शास्त्र वाले भरेंगे, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, ये तुम्हारे बीकॉम वाले हैं ये भी फॉर्म भरेंगे साहब, बीकॉम वाले हैं, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, कम से कम एक विषय में स्नातक पास होना चाहिए साथियों, इन सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट भी आपके पास रहा हो स्नातक में तो आप आराम से लेवल 2 में भर सकते हैं। विज्ञान हो गई, गणित हो गई, इसके लिए साथियों ये वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मैथ विषय, सारे के सारे, यानी कि स्नातक में एक सब्जेक्ट रहा हो आपके पास, आप लेवल 2 में फॉर्म भर पाएंगे साथियों। ठीक है साहब, समझ गए होंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो भी बीएससी बीएड एक साथ कर रहे हैं, कोई बीएसटीसी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर पाओगे अंतिम वर्ष में हो तो भाई, 4 साल वाली कर रहे हो तो 4थी साल में अगर आप हो तो आराम से उसमें फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी, अब यह है अध्यापक संस्कृत के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा, तो जो संस्कृत विभाग से लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फॉर्म भरेंगे उनके 300 नंबर का पेपर होगा, परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे 30
मिनट का समय होगा, 150 प्रश्न होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये का यही सिस्टम रहेगा सामान्य टीचर वालों के लिए, यही संस्कृत टीचर वालों के लिए है और यही परीक्षा का पैटर्न वगैरह। और ये सिलेबस देख लो भाई तुम, अध्यापक संस्कृत विभाग लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए राजस्थान की जीके 100 नंबर की, और ये तुम्हारी अनिवार्य बाल शिक्षा 80 नंबर की। और फिर इसमें भाई ये संस्कृत वालों की है तो 12वीं में संस्कृत थी उनके पास, ठीक है साहब, 12वीं में संस्कृत थी तभी तो वो संस्कृत विभाग से फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए फिर संस्कृत के सब्जेक्ट आ जाएंगे। देख लो ये रीति वैज्ञानिक, शैक्षिक मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इस प्रकार से नंबर उनके संस्कृत का सिलेबस हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये देखो भाई संस्कृत में लेवल 2 के लिए 6 से 8 के लिए देखो, इनको भी राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी, इनको भी वो अनिवार्य बाल शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, 8 और 5 13 130 नंबर का मटेरियल संस्कृत डिपार्टमेंट वालों को भी सामान्य डिपार्टमेंट वालों की जीके पढ़नी पड़ेगी साहब, ठीक है। जो सामान्य विभाग से फॉर्म भरेंगे हम, तो हम सामान्य के हैं, ये संस्कृत के हैं, इन संस्कृत वाला ने भी बेचारा ने 130 नंबर को माल तो थारो ही पढ़ना पड़ेगा उल्टो हुए ना, देखो साहब बाकी इनका संस्कृत का आ जाएगा, ठीक है साहब। अब देखो ये अध्यापक सामान्य के भी वही सिस्टम है, 300 नंबर का पेपर, एक ही प्रश्न पत्र, 2.5 घंटे का समय, 150 प्रश्न और वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग साहब, ठीक है जी। अब आपका भी सिलेबस देख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो का वही है। देखो सामान्य लेवल फर्स्ट 1 से 5 तक के लिए वो राजस्थान जी के वो अनिवार्य बाल शिक्षा 130 नंबर का ये आ गया। फिर तुम्हारे सब्जेक्ट आ गए भाई, ठीक, ये बीएसटीसी वाले हैं तो सारे ही पढ़ेंगे, हिंदी 10 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर की, गणित 10 नंबर की, सामान्य विज्ञान 10 की, सामाजिक अध्ययन 10 की, इस प्रकार से ये यहां पर इनके हैं। क्योंकि 1 से 5 तक तो सबकी में आओगे भाई, मैथ साइंस हिंदी फंदी सब की में आओगे। अच्छा अब ये देखो लेवल 2 6 से 8 के लिए वही 80 नंबर की राजस्थान जी के, वही बाल शिक्षा 50 नंबर की, 130 नंबर का मटेरियल सेम वो का वो है, चाहे संस्कृत से हो चाहे सामान्य से हो, ठीक है जी। फिर इनके ये आ गए भाई तुम्हारे शैक्षिक मनोविज्ञानी कर ये सारे के सारे, इस प्रकार से साथियों ये कुल 300 अंक का रहेगा। फिर आ गया तुम्हारा पीटीआई का साहब, तो पीटीआई में देखो भाई शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए इसमें दोस्तों 460 अंक का होगा परीक्षा का पैटर्न, क्रीडाओं टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले को 40 नंबर तक दिए जाएंगे, है ना, और प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, दो पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1 200 नंबर का, दूसरा 260 नंबर का। तो प्रश्न पत्र 1 जो होगा पहला पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे, और साथियों ये उसके सारे के सारे जो तुम्हारे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब दूसरा पेपर, दूसरे पेपर की देख लो भाई तुम, ये दूसरा पेपर रहा वो का वही सिस्टम है, इसमें भी इसमें कोई अलग थोड़ी है, 260 नंबर का पेपर है, वो 200 नंबर का था, ये 260 का है, समय 2 घंटे का, प्रश्न 130 और वही तुम्हारी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी सब, ठीक है जी। ये चीजें हो गई क्लियर हो गई साहब। और ये देख लो इससे संबंधित खेल कूद मनोविज्ञान, यही तुम्हारा मैटर है सारा। अब साहब ये 40 नंबर का जो मैटर है वो किस प्रकार से हमें मिलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जिसने भी टूर्नामेंटों में भाग लिया है किसी भी भाई बहन ने, तो देखो अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेल चुके हो तो 40 के 40 नंबर आपको मिल जाएंगे, उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप राष्ट्रीय लेवल पर दूसरे स्थान पर रहे हैं तो 36 नंबर, तीसरे स्थान पर रहे हैं तो 32 नंबर, और राष्ट्रीय स्तर पर ही पहुंचे हैं तो 28 नंबर, और राज्य स्तर पर अगर दूसरा स्थान है तो 24 नंबर, और राज्य स्तर पर पहला स्थान है तो 28 नंबर, और राज्य स्तर पर तीसरा स्थान है थर्ड तो 20 नंबर। अगर साथियों आप जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 16 नंबर दे दिए जाएंगे, और जिला स्तर पर थर्ड स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो 8 नंबर दे दिए जाएंगे, और आप जिला स्तर पर पहुंच जाते हैं तो 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से साथियों आपको ये 40 नंबर मिलते हैं। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया गया है, सभी साथी वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेवे और नोटिफिकेशन को देख लेवे, ठीक है जी। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा देंगे और आपको सारी चीजें बता देंगे, ठीक है जी।
अब आपकी बारी है तैयारी करने की, आप तैयारी को करते रहे। रीट पात्रता परीक्षा जो होगी अध्यापक की, उसको भी आपको पास करना है। उसको पास करने के बाद में अब आजीवन है, वो लाइफ टाइम है, एक बार पास कर लो रीट पात्रता ने, बस जिंदगी भर फ्री, फिर कोई दोबारा देने की झंझट नहीं है, ठीक है। फिर आप जैसे ही संस्कृत विभाग में भर्ती आती है, सामान्य भर्ती आती है, भरो दमादम फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।